was a very warm welcome to you all. This is Pallavi Sree and you are watching Study This, Study Fast, Peace Mark. Now today we are going to discuss consumer equilibrium. So let's start. आइए देखते हैं meaning of consumer. A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. तो किसी भी पर्सन को या किसी भी फर्म को जो भी किसी भी सेवाओं को लेता है या कोई भी सामान को खरीदता है यानी कोई भी कमोडिटी को खरीदता है, गुड्स को खरीदता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर यानी उपभोक्ता. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? तो ये एक कंडीशन है. कैसा कंडीशन है? स्टेट ऑफ रेस्ट का, यानी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर एक्शन. तो कैसा? जब आप किसी भी फर्दर एक्शन में इंटरेस्टेड ना हो. आप जैसे मान लीजिए आप नाश्ता करते हो, समोसा खाते हो, एक समोसा खाते हो, दूसरा खाते हो, तीसरा भी खाते हो. तीसरे खाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब हमसे खाया नहीं जाएगा, अब बहुत हो गया. तो ये क्या हो गया? आप और समोसा खाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो. तो ये जो कंडीशन हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट का कंडीशन हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. और एक एग्जाम्पल ले लीजिए. सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. खेलते खेलते एक पोजीशन आता है, कंडीशन आता है जब आप थक जाते हो. फिर आप बोलते हो नहीं, अब नहीं खेला जाएगा. तो ये कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, जब आप फर्दर एक्शन के लिए इंटरेस्टेड ना हो. नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब देखिए कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम ये कंबाइंड होके क्या मीनिंग है. कब एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं? तो ये क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जब एक बंदा अपने मनी इनकम को स्पेंड करके फुल सेटिस्फाइड रहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो अपने पैसों को खर्च करके खुश रहता है. तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सैटिस्फैक्शन, गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब देखिए यहाँ पे दो तीन वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है कि वो अपने मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन को अचीव करता है. कैसे? अपने मनी इनकम को इन्वेस्ट करके. सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपको 10,000 रुपया मिलता है हाथ में. तो 10,000 रुपया दिया जाता है कि शॉपिंग करो. अब आप शॉपिंग करने जाते हो तो 10,000 में कोई 2 ही कपड़े का सेट लेकर आते हो. आप घर आते हो, भले घर में डांट पड़ती है कि 10,000 में तुमने 2 कपड़े ही खरीदे, पर आपको ये लगता है कि आप फुल सेटिस्फाइड हो. आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने पैसों को वेस्ट नहीं किया है, सही जगह इन्वेस्ट किया है, मैं सेटिस्फाइड हूं इतने महंगे कपड़े खरीद के. तो आपका कंडीशन क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये मैटर नहीं करते कि दूसरे क्या सोचते हैं. वही 10,000 दूसरे कोई और ले जाता है, वो 5 कपड़ों का सेट लेता है, ठीक है. तो अगर वो सेटिस्फाइड है, उसे ऐसा लगता है कि उसने वेस्ट नहीं करा और वो इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता था, ये बेस्ट था उसके लिए, तो क्या है? तो उस किस कंडीशन में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. यानी आप अपने मनी इनकम को एक्सपेंड करके फुल सेटिस्फाइड हो. आपको लगता है कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा, आप खुश हो, इससे बेटर तो और हो ही नहीं सकता था, एक्सपेंसिव. तो ये कंडीशन क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब देखिए एक टर्म यूटिलिटी. अब ये यूटिलिटी क्या है? तो ये इन शॉर्ट हम लोग समझते हैं, ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसी भी कमोडिटी का, यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. यानी कोई भी सामान जिससे हम हमारा चाहत पूरा होता है, यानी हम सेटिस्फाइड होते हैं, फुल सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिली, हम फुल सेटिस्फाइड है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. तो आपको लगेगा क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी सेम है? नहीं, सेम नहीं है, रिलेटेड है. अब देखिए कैसे. इट मींस रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर व्हेन ही इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी व्हिच हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. अब ये देखिए, ये किसी कमोडिटी के वांट सेटिस्फाइंग के लिए बोला जाता है, यानी एक कमोडिटी के वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी कहा जाता है. कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं. सपोज अब ये होता कैसा है? तो ये 2 नेचर का होता है, एक डिराइव्ड यूटिलिटी होता है और एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होता है. किसी भी डिराइव्ड यूटिलिटी के पहले हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होता है. कैसे होता है? सपोज आपने हमारा वीडियो ऑन करा, तो आप वीडियो ऑन करने के पहले आपके मन में कोई डाउट होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेरीज को क्लियर करना है. तो होप सो आपको ऐसा लगा होगा कि हम ये वीडियो ऑन करेंगे तो मे भी हमारा डाउट क्लियर हो जाए. तो ये जो आपने मन में एजम्पशन करा, तो ये आपका क्या था? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यानी कि आपने एक्सपेक्ट करा अगर हमने ये वीडियो ऑन करना है तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप रियलिटी में वीडियो ऑन करते हो और वीडियो के खत्म होने के बाद आपका डाउट अगर क्लियर होता है तो यानी कि आप फुल सेटिस्फाइड हो इस सेशन से, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूटिलिटी, यानी एक्चुअल यूटिलिटी। जब आप फुल सेटिस्फाइड होते हो किसी भी कमोडिटी के वॉन्ट सेटिस्फाइड पावर से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आपके फेवरेट एक्टर का पिक्चर लगा हुआ है आपको, तो अब आपके मन में क्या है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही मुझे देखना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा फेवरेट एक्टर है और उसका पिक्चर हमेशा हिट होता है। तो चलो आप क्या करोगे, टिकट नहीं मिलने पे भी ब्लैक में टिकट खरीदोगे, 1000 देके भी खरीदोगे, 2000 देके भी खरीदोगे, ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे तो चाहिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। सपोज आपने 1000 में टिकट खरीदा, मूवी देखने गए, मूवी देखकर जैसे ही वापस निकले आपको लगा इतना बेकार मूवी तो कभी बन ही नहीं सकता था, 100 रुपए के लायक भी नहीं था। तो ये चीज क्या हो गया आपका डेराइव्ड यूटिलिटी, यानी यहाँ पे यूटिलिटी कैसा होता है? एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो हम लोग कमोडिटी को यूज करने से पहले, यानी कोई भी काम को करने से पहले सोचते हैं, और एक होने के बाद यानी कमोडिटी को यूज करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे हम लोग देखते हैं कि हमारा उस चीज के लिए यूटिलिटी कितना मिला। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यानी एक्चुअल यूटिलिटी, यानी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। If you have any doubt, then ask in comment box. Thanks for watching. Bye-bye.